हेलो फ्रेंड्स, हम कोरोना पैंडेमिक के सेकेंड वेव में है। नंबर ऑफ केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ रहे हैं। कोरोना का इन्फेक्शन नोज से शुरू होकर गले में पहुंचता है, गले से लंग्स तक पहुंचता है और जब लंग्स में स्प्रेड होता है तो केस क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में पल्स ऑक्सीमीटर ये इंस्ट्रूमेंट हमारे बहुत काम आता है। तो आइए जानते हैं पल्स ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें। ऑक्सीमीटर से चेक करने के लिए पहले चेयर पर स्वस्थ बैठ जाइए। अगर नेल पेंट है हाथों में तो नेल पेंट उतार दीजिए। हाथ चेस्ट के लेवल से नीचे रखिए। दोनों हाथों को रब करें। रब करके अपने पैर पर या कुर्सी के हैंडल पर रखिए। पल्स ऑक्सीमीटर बीच वाली उंगली पर लगाइए और बटन ऑन कर दीजिए। लगभग 30 सेकंड में पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग स्टेबल हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद में जो आपको रीडिंग दिखेंगे उन्हें नोट कीजिए। उसमें आपको दो रीडिंग दिखाई देंगे, एक होगा आपका SpO2 यानी ऑक्सीजन रीडिंग्स और दूसरा होगा आपका पल्स। नॉर्मली हमारा ऑक्सीजन हेल्दी इंडिविजुअल में 95 या उससे ऊपर होता है। अगर ऑक्सीजन 95 से नीचे बता रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक हेल्दी इंडिविजुअल की पल्स जो है 70 to 90 के बीच होती है। अगर आपकी पल्स लगातार 100, 110 ऐसे ऊपर बता रही है, दैट मीन्स कोई ना कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में है और हो सकता है वो कोरोना का भी इन्फेक्शन हो सके। इसीलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोरोना का टेस्ट तुरंत करवा दीजिए। अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो पल्स ऑक्सीमीटर आपको काफी फायदा करेगा। आपको क्या करना है, आप जो भी रूम में आइसोलेटेड हो वहां पे उस रूम के अंदर पहले बैठ के ऑक्सीजन चेक करना है। उसके बाद में रूम के अंदर 6 मिनट तक वॉक लेना है। 6 मिनट वॉक लेने के बाद में फिर से बैठ जाइए और ऑक्सीजन लेवल्स आपका चेक कीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल्स 6 मिनट चलने के बाद में 95 से नीचे बता रहा है या चलने से पहले और चलने के बाद के ऑक्सीजन लेवल्स में 4 पॉइंट से ज्यादा का ड्रॉप हो रहा है तो ये चीज आपको अलर्ट करता है कि हो सकता है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है और आपको ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। आप तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि 6 मिनट चलने के बाद में आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन आपकी पल्स अगर 20 या 30 पॉइंट से बढ़ जाती है, दैट मीन्स आपका हार्ट जो है वो ज्यादा पंपिंग करके ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे भी आप अलर्ट हो जाइए और तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। ये भी हो सकता है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, जैसे कि नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल 14 से 18 टाइम 1 मिनट में ब्रीथ लेता है और 6 मिनट वॉकिंग के बाद में अगर आपका ब्रीदिंग रेट जो है रेस्पिरेटरी रेट 25 से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एक अलर्ट साइन हो जाता है कि आपका लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा अगर आपका फीवर कंटिन्यूस बढ़ रहा है या आपकी खांसी कंटिन्यूस बढ़ रही है या आप बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहे हो तो इन चीजों से आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अलर्ट्स है, इन पे जरूर ध्यान रखिए और सही समय पे डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे की ट्रीटमेंट शुरू रखिए। 95% केसेस कोरोना के जो है वो माइल्ड होते हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप अपनी कंडीशन अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हो और क्रिटिकल होने से बच सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि क्रिटिकल केसेस जो है हम जल्द डिटेक्ट करके उनको सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। अपने और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।